नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में 94% हुआ रिकवरी रेट, प्राध्यापक के घर में लगाई सेंध, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। जिले में 94% हुआ रिकवरी रेट, कोरोना की विकरालता काफी कम हो चुकी है लेकिन इसका खतरा अभी भी टला नहीं। रोजाना मिलने वाले नए संक्रमितों में ठीक होने वालों की संख्या अधिक होने के चलते अब जिले में हालात उत्साहजनक है। गुरुवार को जिले में 1151 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें सिटी के 562 और ग्रामीण भागों के 578 के साथ ही जिले के बाहर के 11 शामिल है। इसे मिलाकर अब तक कुल पॉजिटिव संख्या 4,68,000 के करीब हो गई है। वहीं 3,405 संक्रमित ठीक होकर अपने घर को लौटे हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या 4,40,000 हो गई है, जिसके चलते जिले का रिकवरी रेट अब 94.3% पर पहुंच गया है। तो वहीं दूसरे और प्राध्यापक के घर में लगाई सेंध। प्रताप नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक प्राध्यापक के घर में सेंध लगाकर 2,35,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने स्वावलंबी नगर निवासी आदिति अनिल गोडबोड़े की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आदिति सिम्बायोसिस कॉलेज में प्राध्यापक है। बुधवार की सुबह अपने घर पर ताला लगाकर मां के साथ मामा के यहां गांधीबाग गई थी। इसी बीच चोरों ने घर में सेंध लगाई, ताला और कुंडी तोड़कर भीतर प्रवेश किया। अलमारी में रखे सोने के जेवरात, हीरे जटित गहने, घड़ी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित 2,35,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार की सुबह माँ बेटी घर लौटी तो चोरी का पता चला। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। प्रताप नगर के थानेदार दिनकर ढोसले अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरे और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगा। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक व्यक्ति को ठगा गया, वाटोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक व्यक्ति को ठगा गया, वाटोड़ा पुलिस ने गोविंद प्रभु नगर निवासी दीपक रमेश मेश्राम की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। 9 फरवरी की दोपहर अज्ञात आरोपी ने दीपक को फोन किया, खुद को बैंक का कर्मचारी बताया, बैंक द्वारा उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑफर दिया। दीपक भी उनकी बातों में आ गए और हामी भर दी। खाते से जुड़ी जानकारी को लेकर आरोपी ने उनके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा। जैसे ही दीपक ने आरोपी को ओटीपी दिया, उनके खाते से 24,890 रुपए डेबिट हो गए। बैंक से पैसे निकाले जाने का मैसेज मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का पता चला और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।